राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ विद पुनीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपना होम टूर शेयर करने जा रही हूँ। मेरा घर कैसा दिखता है, मैं उसको किस तरह से सजा कर रखती हूँ, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, बाहर का लुक कुछ इस तरह है। ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी नया नया बनवाया है, इसे एक महीना बने हुआ है। इसकी वजह से मैंने इसे पुट्टी नहीं करवाया, अभी पुट्टी करवा लूँगी कुछ दिन में। फ्रेंड्स, अब घर के अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पौधों का बहुत शौक है। मैं जहाँ भी मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ रख दूँगी तो डेकोरेशन लगेगा, मैं वहाँ रख देती हूँ पौधों को। फ्रेंड्स, ये मेरा सूर्यक है, मैंने इसे बनवाया था और इसके ऊपर मैंने मनी प्लांट रखा है। और ये जो मेरी बाउंड्री है, बाहर की बाउंड्री, मैंने उस पर कुछ छोटे प्लांटर छोटे गमलों में लगा के मैंने रखा हुआ है। और ये कुछ मेरे फोर हैंगिंग प्लांटर हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा आगे वाला रूम है, ये मेरे कर्टन्स हैं। और ये मैंने कुछ इस तरह यहाँ पे पावदान लगाया हुआ है इस तरह का। और उसके जस्ट बगल में मैंने एक कारपेट बिछाई हुई है, फुल नहीं, छोटी सी कारपेट है। अब मैं इसके बगल में एक चौकी रखी हूँ, दो सोफा रखी हुई हूँ, गेस्ट लोग यहाँ आके बैठे। और मैंने यहाँ प्लास्टिक का चेयर रखा हुआ है। मैं इस रूम को कुछ इस तरह से डेकोरेट करके रखी हुई हूँ। राधा कृष्ण का बड़ा सा तस्वीर है। और ये कुछ छोटे छोटे सजावटी आइटम है जो मैं अपने घर के अंदर इन्हें लगा के रखी हूँ। ये मेरी खिड़की है फ्रेंड, मैंने इसे कुछ इस डिजाइन में इस खिड़की को बनवाई थी फ्रेंड्स। और ये मेरे घर का फुल व्यू देखिए फ्रेंड्स आप, मैं इसे किस तरह से रखती हूँ, किस तरह से सजा के रखती हूँ अपने आगे वाले रूम को। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम। अब मैंने एक वॉल पे अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ जो पिक लगाई हुई है वो ये है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था फ्रेंड्स, ये कुछ 700 के लमसम पड़ा था। अब आइए हमारी लॉबी में चलते हैं। ये हमारी छोटी सी लॉबी है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी नहीं कह सकते हैं, पर ये मेरा किचन है और ये मेरा रूम है। और ये मेरी कुछ लॉबी है फ्रेंड्स, ये आप देखिए, यहाँ हम लोग जो हैं अपना नाश्ता करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं। यहाँ पे दो चेयर मैं बाद में लगा देती हूँ। हम दो होते हैं तो हम दो ही चेयर लगाते हैं, बच्चे रहते हैं तो चार चेयर लगा देती हूँ। ये मैंने अगल बगल कुछ फ्लावर्स, हैंगिंग फ्लावर्स लगाए हैं। और हॉर्स, सेवन हॉर्स का मैंने ये एक तस्वीर लगाया है। मेरी लॉबी कुछ इस तरह दिखती है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं। और मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मैंने दरवाजे के जस्ट सामने अपने बेड को लगाया है। मेरा ये बेड जो है वो किंग साइड है, साइज है, क्वीन साइज नहीं है ये। उसके बगल में ही मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल रखी हुई हूँ, उसके ऊपर ये हीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल हीटर है। मैं उसके बगल में ये अलमारी रखी हुई हूँ अपने। और ये जो आप ओपन अलमारी देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें मैंने ऊलन कपड़े रखे हुए हैं और कुछ टेडी बियर है, कुछ फ्लावर्स हैं, उसको उससे मैंने इसे डेकोरेट किया है। मैं इसे कवर करवाने वाली हूँ फ्रेंड्स कुछ दिन में। और जस्ट उसके ऊपर ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इस पे मैंने कुछ तोतों को रखा हुआ है। और बोला जाता है घर में रखना अच्छा होता है। अब फ्रेंड्स, मेरा ये साइड में मेरी एक खिड़की है, मैं खिड़की के पास ही अपने इस मंदिर को रखी हूँ फ्रेंड्स। मैंने अपने मंदिर का व्लॉग बनाया है फ्रेंड्स, उसे आप लोग वॉच करिएगा। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये बगल में जो मेरा 5 स्टेप का है प्लास्टिक का कैबिनेट, इसमें मैंने पूजा की सामग्रियाँ रखी हुई हैं। और ये मेरा देखिए, मैं इस वॉल पे टीवी रखी हूँ, इसके जस्ट नीचे मैंने कैबिनेट लगाया हुआ है, उसके ऊपर होम थिएटर है फ्रेंड्स। और मैंने इस वॉल पे भी मैंने अपने फैमिली पिक लगाई हुई है। और ये मेरा इस कमरे का फुल व्यू है फ्रेंड्स। मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे फ्रेंड्स तो शेयर भी करिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने इस रूम का पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस रूम का पूरा व्यू है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको अपने किचन में ले चलती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने किचन का ब्लॉग आप लोगों से शेयर किया है।
फ्रेंड्स मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उस लिंक से आप मेरे वीडियो तक जा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा किचन है, मैंने इसे कुछ प्रकार से सजा कर रखा हुआ है। ये फुल व्यू देखिए मेरे किचन का फ्रेंड्स। और ये जो मेरा वॉल स्टिकर है फ्रेंड्स, इसे भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है। और मेरा ये कुछ किचन का जो प्लेटफॉर्म है कुछ इस तरह से डेकोरेट है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को अपने सीढ़ी की तरफ लेके चलती हूँ। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरी सीढ़ी है, इस तरह से है मेरी सीढ़ी। और ये जो सिलेंडर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरे लड्डू गोपाल का है, इस पे उनका भोग तैयार होता है, उनका दूध गर्म होता है, उनके लिए पानी गर्म होती है। और फ्रेंड्स ये मेरी सीढ़ी है फ्रेंड्स, मैंने इस पर कोई भी टाइल्स और मार्बल नहीं मैं लगवाई हूँ इस पर। और फ्रेंड्स जस्ट इसके सामने ये मेरा बाथरूम है, अटैच्ड बाथरूम है, लेटरिंग बाथरूम। मैं यहाँ दो पावदान रखती हूँ, क्योंकि एक जो है वो हमारी पानी जो होती वो सोखती है, दूसरे हमारी जो गंदगी होती है उसके लिए। और इस पर भी मैंने वॉल स्टिकर ही लगाया फ्रेंड्स। और अब हम चलते हैं सीढ़ी के नीचे का जो पार्ट्स है फ्रेंड्स। मैं इस जगह पे इन्वर्टर और बैटरी को मैंने रखा है, और पूरे घर का जो बिजली कनेक्शन है वो यहीं पर है। और फ्रेंड्स अब हम अपने गलियारे में चलते हैं। ये 3 फीट का गलियारा है, यहाँ मैं एक कूलर रखी हूँ और एक फोल्डिंग रखी हूँ गेस्ट के लिए। और फ्रेंड्स अब हम इस गलियारे से बाहर आ जाएंगे अपने गेट के पास। फ्रेंड्स ये मेरा होम टूर ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।